How to read WhatsApp message without going online। हाय फ्रेंड्स, सिद्धार्थ हेयर फ्रॉम टेक्नोबस.net। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप WhatsApp के जो आपके मैसेजेस हैं उनको बिना WhatsApp को लॉग बिना मतलब बिना WhatsApp को ओपन किए हुए रीड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो आपका रीड का जो नोटिफिकेशन जाता है दूसरे पर्सन को ब्लू टिक, वो उनको कभी नहीं मिलेगा और आप उनको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपने उनके मैसेज पढ़े हैं कि नहीं। ये ट्रिक उस टाइम पे काम आती है, कई बार क्या होता है कि आप कुछ टाइम पे कहीं बिजी होते हैं और आपको आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपके फैमिली मेंबर मैसेज करते रहते हैं और आप उनको व्हाट्सएप पर जाके रीड कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि आपने मैसेज पढ़ लिया क्योंकि उनको ब्लूटूथ पे किया है, तो बार बार आपको रिप्लाई करते रहते हैं कि भाई आपने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, बाद में आपको बताना पड़ता है कि मैं बिजी था। तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें? होता क्या है, जो ब्लू टिक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उनसे वो पता चलता है कि व्हाट्सएप के जो मैसेज है आपने पढ़ लिए। तो वैसे तो व्हाट्सएप में एक इनबिल्ट फीचर है, सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं, अकाउंट्स में प्राइवेसी में जाके एक रीड रिसिप्ट को आप ऑफ कर सकते हैं। बट उससे क्या होता क्या है कि आपको भी जब आप अगले पर्सन जो मैसेज आते हैं उनको जब उनके आप को ब्लू टिक नहीं दिखेंगे, फिर आपने भी तो अपने ब्लू टिक आपने बंद कर दिए, मगर आपके जो दूसरे पर्सन है आप देखते हैं कि उन्होंने आपके मैसेज पढ़े कि नहीं पढ़े, वो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो आज मैं आपको एक नया हैक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से जो अपने ब्लू टिक हैं उनको ऑफ कर सकते हैं और बिना व्हाट्सएप को खोले सारे मैसेज पढ़ सकते हैं, और ताकि अगले पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो मैसेज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन आता है अनसीन करके, ये देखिए अनसीन नो लास्ट सीन मैसेज, ठीक है। आपको इसको अपने फोन में एक बार इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होते ही इसमें थोड़ी सी कुछ एक सेटिंग में एक चेंज करना पड़ता है, उसके बाद आप चाहे फेसबुक के मैसेजेस हो, चाहे व्हाट्सएप के मैसेजेस हो, चाहे किसी और मैसेंजर के मैसेजेस हो, उसको आप आसानी से बिना उन मैसेंजर से खोल के आप रीड कर सकते हैं, ताकि अगले पर्सन को नोटिफिकेशन न जाए कि आपका जो एसएमएस है वो रीड कर लिया गया। जैसे कि देख पा रहे हैं एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये सेटिंग में हमको पूछता है एक्सेप्ट करने को, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर ये जो इनेबल एक्सेसिबिलिटी का जो आप नीचे बटन देख रहे हैं इसको आपने एक बार क्लिक करना है, उसके बाद सिक्योर जो आपके जो नोटिफिकेशन एक्सेस है उसमें जाके इसको जो है इनेबल कर देना। जैसे देख पा रहे हैं अनसीन एप्लीकेशन का ही है, इसको हमने एक्सेसिबिलिटी में जाके इसको ओके कर देना, अलाउ कर देना है। अब होगा क्या कि जो भी हम वो व्हाट्सएप मैसेज करेगा हम बिना व्हाट्सएप में जाए वो मैसेज को हम पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको दूसरे अपने फोन नंबर से एक मैसेज करता हूँ, एक नोटिफिकेशन भी आएगा, मैं उसको बिना व्हाट्सएप में जाए पढ़ सकता हूँ। ये देखिए हमको एक मैसेज आया है मेरे दूसरे नंबर आज से, मेरे फ्रेंड का नंबर है ये, उसमें से एक हाई मैसेज आया और व्हाट्सएप के ऊपर आप नोटिफिकेशन देख पाए, और साथ ही साथ जो अनसीन एप्लीकेशन था उसमें भी वो नोटिफिकेशन आ गया। तो हमने क्या करना है, सीधा अनसीन पे जाना है, उसको ओपन करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो है मेरे को मैसेज आया है, मैं इसको यहाँ से आराम से खोल के इसको पढ़ सकता हूँ और रिप्लाई भी कर सकता हूँ, मगर रिप्लाई करने के बाद उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये मैंने मैसेज पढ़ लिया, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। और उधर देखिए व्हाट्सएप के ऊपर वो नोटिफिकेशन अभी भी है कि आपको मैसेज पढ़ना है। इस तरीके से हुआ क्या कि आपने जो व्हाट्सएप में जो आपको मैसेज आया था उसको आपने रीड तो कर लिया, मगर अगले पर्सन को पता नहीं चला कि आपने वो मैसेज रीड किया है कि नहीं किया। उनको लगता रहेगा कि आपने वो मैसेज अभी तक पढ़ा ही नहीं है, जिसके थ्रू आपको कुछ सिचुएशन जो होती हैं कि जिसमें आपको लोग बोलते हैं आप मैसेज मेरी मैसेज पढ़ लेते हैं, रिप्लाई नहीं करते, उन सिचुएशन से बच जाएंगे। तो ये एक आसान सा हैक था व्हाट्सएप में, जिसके थ्रू आप कोई भी जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं उसको बिना व्हाट्सएप को ओपन किए हुए या ऑनलाइन गए हुए आसानी से पढ़ सकते हैं, जिससे आप कभी उनको पता नहीं चलेगा कि आपका लास्ट सीन स्टेटस क्या था, आपने उनके मैसेज पढ़े कि नहीं पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।